भाइयों बहनों, इस चुनाव ने 21वीं सदी की एक मजबूत नींव हमारे सामाजिक सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए निर्मित की है। और मैं चाहूंगा कि जो देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, सरकार कौन बने, किसकी बने, कौन आए कौन जाए, वो तो जनता करता ही करती रहेगी। लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, अब भारत ने, भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया है। सारे समाजशास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है। और वो क्या है, अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचेगी, दो जाति ही रहने वाली है, और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और दो जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब, और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है, और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है, और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती है। इस सपने को लेकर के हमें चलना है।